मैंने उसमें बोला था कि ये बैंकॉक की शाहरुख खान है। पिछले चार दिन से हम लोग जिस रूम के अंदर रह रहे थे वो हमने चेंज कर लिया, होटल सेम है लेकिन रूम हमने अब ले लिया है फैमिली रूम, क्योंकि अरसलान ने हमें थाईलैंड में ज्वाइन कर लिया था कल, तो इसलिए हमें बड़ा रूम लेना पड़ा। हमारी फैमिली बड़ी हो चुकी है यहाँ पे थोड़ी सी। इसके अंदर एक ये बेड पड़ा हुआ है डबल, और एक डबल बेड इस तरफ पड़ा हुआ है, तो ये है कि चार बंदों के लिए ये बेस्ट है। होटल वही है, पहले हमने सोचा कि होटल भी चेंज कर लें, कोई नई नया पूल मिल जाएगा, नया जिम मिल जाएगा। फिर हमने सोचा कहाँ बस्ते उठा के अपने जाएंगे किसी नए होटल में, इसी में बस ऊपर वाले फ्लोर पे उन्हें बोला सारा सामान शिफ्ट कर दो। खैर अभी हम लोग आज हैं बैंकॉक थाईलैंड में, हमारा लास्ट डे है, कल हमारी यहाँ से फ्लाइट है आगे एक जगह पे, बहुत ही मतलब हेवन टाइप जगह पे कल हम जा रहे हैं, वो आपको कल पता लगेगा। आज बैंकॉक में हम करेंगे थोड़ा थोड़ा स्ट्रीट फूड टूर, थोड़ा थोड़ा साइट सीइंग, और एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे रूफ टॉप है, स्काई वॉक उसका नाम है, वहाँ से पूरा बैंकॉक नज़र आता है, उसकी डिटेल में वहाँ जाके बताऊँगा। उसके अलावा एक आंटी हैं जो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ में फीचर हुई हैं, उनके खाने हम खाएंगे। उसके अलावा जो जो खाने मिलते जाएंगे आज बैंकॉक में ठूसते जाएंगे, जो जो मार्केट देखने को मिलेगी, कोई मॉल, कोई स्काई वॉक, क्या बिग कियोटिक सिटी है, आपको मतलब स्कूटियों का शहर कह सकता हूँ मैं इसको। यहाँ पे ऐसे हर बंदे के पास ये देखो मतलब स्कूटी, बंदों से ज़्यादा स्कूटियाँ यहाँ पे। खैर शुरू करते हैं अपना बैंकॉक में पाँचवा दिन। अभी हम लोग यहाँ से वॉक करते हुए जा रहे थे, और ये पीछे जो आपको उस जगह से लेके ये पूरी ग्रीन इसके शेड के नीचे एंड तक जो नज़र आ रहा है, ये स्ट्रीट फूड स्टॉल्स हैं, लेकिन इनमें से हलाल स्ट्रीट फूड कोई भी नहीं है, ये लोकल्स का है। और अगर मैं स्टॉल को देखूँ तो वो एक आंटी ने फट्टा रखा हुआ है, सब किस तरह फट्टे रखे हुए हैं, साथ में उन्होंने एक अपना वो कार्ट लगाया हुआ है, उस पर चीज़ें बना रहे हैं। और यहाँ पे जो बिल्डिंग के लोग हैं ये इधर उधर, हमारे पाकिस्तान में तो ये रिवाज है ना कि जो जिनके पास चार पैसे आ जाते हैं वो जाके स्ट्रीट फूड स्टॉल पे बैठते नहीं है कि हम तो यार फाइन डाइन करेंगे। यहाँ पे अच्छे से अच्छे कपड़ों वाले भी आपको स्ट्रीट फूड स्टॉल के ऊपर बैठ के खाना खाते हुए नज़र आएंगे, अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी नज़र आएंगे। और जो स्ट्रीट फूड स्टॉल है वहाँ पे अगर किसी ने ड्रेस पैंट पहनी हुई है, किसी ने कच्छा पहना हुआ है, कुछ भी है, बेशक पेंट कोट पहना हुआ है, वो भी आपको स्ट्रीट फूड स्टॉल पे बैठ के खाता नजर आएगा। मतलब ये सामने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और स्टॉल्स के इस तरफ ये लोकल्स के इस तरफ घर हैं। अच्छा जो इस तरफ ये वाला कार्ट है ना, ये बिल्कुल आप समझो कि पीछे घर है, और घर के बाहर इन्होंने अपना ये ठेला सा लगाया हुआ है, और ये जो लगा हुआ है जिस जगह पे, यहाँ पे बंदे का खाने का दिल कैसे कर सकता है। आप अनहाइजीनिक चीज़ें बहुत देखी होंगी आपने, बड़ा देखा होगा जी जहाँ पे स्ट्रीट फूड है वहाँ पे थोड़ा गंद पड़ा हुआ था, नीचे से नाला गुजर रहा है और नाले के ऊपर ये सारे लाइन में जो है ना इनके ये इन्होंने ठेले लगाए हुए, ये लोकल्स के लिए फूड है सारा। अब ये जो नीचे से नाला गुजर रहा है ये हमारे लिए नाला है, लेकिन इनके लिए ये सिंपल दरिया है, साफ पानी है, इसी में इनके बच्चे नहा भी रहे होते हैं, इसी के अंदर इनका टीटी पोशू भी जा रहा होता है। और यही बैंकॉक के अंदर से जो पूरा चाओ फराया रिवर गुजरता है ये वो है पूरा, मतलब उसकी ये छोटी छोटी लिंक्स निकल के शहर में आए हुए हैं। बैंकॉक में आपको फिरते हुए ज़्यादातर ये लग रहा होता है कि ये स्क्विड गेम के कैरेक्टर्स फिर रहे हैं। अभी ये जो मेरे साथ चाचू बैठे हैं ना, ये चाचू मुझे वो लग रहे हैं जो स्क्विड गेम में जिन्होंने एंड पे सारा काम खराब किया, जो जिस बंदे की पूरी कारस्तानी थी वो कोरियन शो है, बट ये सारे मिलते जुलते हैं बहुत ही, कोई जिस तरह कोरियन ड्रामों के शौकीन या मूवीज़ के शौकीन हो उनको फ़र्क पता लगेंगे ये कोरियन है, ये थाई है, ये चाइनीज़ है, बट ये चाचा बिल्कुल देख लो मुझे वही लग रहे हैं स्क्विड गेम का। कौन से एरिया में पहुंच चुके हैं हम लोग? हम J5 के पास हम लोग पहुंचे हैं, इस टाइम सेंट्रल बैंकॉक साइड है, और ये जो पीछे आपको ये जगह नजर आ रही है इसका नाम है J5 रेस्टोरेंट। और ये आंटी हैं, एक सेलिब्रिटी शेफ हैं, मैंने दो तीन वीडियोस पीछे हम लोग आए थे तब ये बंद था, मैंने उसमें बोला था कि ये बैंकॉक की शाहरुख खान है। तो सीन ये कि आप में से शायद कुछ लोगों ने एक सीरीज़ देखी हो, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है स्ट्रीट फूड के नाम से, उसका नाम ही स्ट्रीट फूड है, बहुत नेक्स्ट लेवल सीरीज़ है, उसके 8 एपिसोड हैं, एक एपिसोड इंडिया में है, एक थाईलैंड में है, और बाकी 6 एपिसोड दुनिया के और कुछ बहुत फेमस सिटीज़ के अंदर हैं। तो जो बैंकॉक वाला एपिसोड है वो इस आंटी के ऊपर है, मतलब उसमें मल्टीपल शेफ्स हैं 3-4, बट मेन स्पॉटलाइट जो है वो इन आंटी के ऊपर है, क्योंकि ये 75 ईयर्स ओल्ड आंटी हैं
और इनकी जो खासियत है आंटी की वो ये लगाती हैं, इन्होंने स्नॉर्कलिंग गॉगल्स लगाए हुए हैं ना। हाँ, स्नॉर्कलिंग, हाँ वही हैं बचने के लिए मेरे ख्याल। हाँ, हीट से बचने के लिए ये जो भी है, ये उनको मतलब 75 ईयर्स ओल्ड है वो, लेकिन आंटी इतनी तेज़ है लगता नहीं है कि 75 साल की उम्र में वो खड़ी ऐसे खाने बना रही हैं। और ये वो आंटी की स्पेशलिटी है, रेड लिपस्टिक और स्नॉर्कलिंग गॉगल्स, और वो उसमें बनाती हैं खाने। अब ये सीन है कि यहाँ पे मुझे नहीं पता कि स्ट्रीट फूड सीरीज़ आने से पहले भी इतना ही रश था, ऑब्वियसली होगा अगर सीरीज़ में उन्होंने लिया तो किसी खास वजह की वजह से लिया होगा। तो आंटी ने तीन सामने पतीले लगाए हुए हैं, उसमें प्रॉपर तेज़ फायर के साथ यहाँ पे खाने बन रहे हैं। और इस टाइम जो इधर उधर मतलब एक टेबल बाहर पड़ा हुआ है और चार टेबल अंदर है जिसपे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, और बाकी जितने भी लोग खड़े हुए हैं वो सारे वेटिंग में। आप आके लिस्ट पे अपना नाम लिखवाते हो, आपका वेटिंग टाइम शुरू हो जाता है, और ये जितने भी गोरे खड़े हैं या थाई खड़े हैं ये सारे टूरिस्ट हैं, मोस्टली गोरे खाने आए हुए। वो तकरीबन इनका डेढ़ डेढ़ या दो दो घंटे का ही इस टाइम वेटिंग टाइम चल रहा है। कितने लोग खड़े होंगे, 15 लोग खड़े हैं? 15 ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट 15 लोग इस टाइम वेटिंग में हैं। और आंटी अकेली खाना बनाती हैं, उनकी रेसिपी किसी और के पास नहीं है, बाकी सारे यहाँ पे हेल्पर्स हैं, कोई वेजिटेबल काट रहा है, कोई आंटी को फूड उठा के ला के दे रहा है। आंटी फुल सेलिब्रिटी है, मतलब अगर आप उस तरफ से जाके पिक्चर बनाने की कोशिश करोगे कहीं नहीं जाना, यहाँ से खड़े होके आप कुछ भी करो कोई मसला नहीं है, आंटी के पास एक्सेस आपको नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे बन रहे हैं खाने, वो खड़ी हैं आंटी सामने, और यहाँ से लेके इस जगह और इस जगह, यहाँ से आगे कोई भी नहीं जा सकता। आपने देखना है, आप दूर से खड़े होके देखो, इन्जॉय करो कि आंटी किस तरह से खाने बना रही है। एक चीज़ यहाँ पे कुछ बॉयल हो रहा है, उसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें, एक दो बस सिर्फ दो पतीले हैं जिनके अंदर आंटी खाना बनाती है। तो यहाँ पे मेन्यू पड़े हुए हैं, मोस्टली चीज़ें सी फूड के अंदर हैं, तो आते ही मैं खुश हुआ कि मैं खा सकूँगा। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या ये हलाल है, वो कहती नहीं। फिर मैं सोचूं कि सी फूड है हलाल क्यों नहीं है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। अब आंटी के पास सिर्फ दो पतीले हैं, उन दो ही पतीलों में पॉर्क बन रहा है, उसी के अंदर चिकन बन रहा है, उसी में बीफ बन रहा है, वो भी जो हलाल नहीं है, ये ज़िबा नहीं करते उसको करंट देके या तो इस तरह कुछ भी जो भी है, तो उसी में जाके सी फूड भी बनेगा। तो जिस पतीले में पॉर्क बन रहा हो उसी पतीले में अगर सी फूड बनेगा तो वो हमारे लिए हलाल नहीं है, मैं यही समझता हूँ। आंटी की जो मस्ट ट्राई चीज़ है वो है क्रैब ऑमलेट। ये क्रैब डालते हैं उसको, ऑमलेट को रोल करते हैं, वो लंबा सा बन जाता है, और एक ऑमलेट 1000 baht का है, 6500 रुपये का आंटी का ऑमलेट है। मैं सोच रहा था कि आज मैं पहली दफ़ा 6500 का ऑमलेट खाऊंगा, लेकिन वो हम नहीं खा सकते। मतलब जिस तरह ऐसे सेलिब्रिटी निकला होता ना एक तरफ, मैं फुल मतलब मैं शाहरुख खान है बैंकॉक का, तो बाकी आप खुद ही देख लो। 30-35 हज़ार तीन लोगों का बिल कहीं नहीं गया, और अगर ज़रा खुल के चीज़ें मंगवाओगे तो 40-50 हज़ार भी बन सकता है। आंटी अपने आप को इस लेवल पे जाके कैश कर रही हैं कि सोच है। नेटफ्लिक्स की सीरीज़ वैसे भी बहुत मशहूर है, अगर आपने आंटी की पूरी डीप हिस्ट्री जाननी है या इनके खाने ज़रा डिटेल में देखने हैं तो आप नेटफ्लिक्स की सीरीज़ स्ट्रीट फूड का बैंकॉक एपिसोड देख लो, उसके अंदर आपको सारी डिटेल नज़र आ जाएगी। जब कुछ ना खा पाए तो 7-Eleven एक मार्ट है पूरे थाईलैंड के अंदर नज़र आता है। और उमेर क्या इसकी स्पेशलिटी है 7-Eleven की? बट्टा चख के मारो आपको 7-Eleven बताइए। उमेर ने रेडिट पे पढ़ा, किसी ने लिखा हुआ था कि बैंकॉक में 7-Eleven इतने हैं, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, कि आप वट्टा चौक के मारो कितने भी हो जाके 7-Eleven बच जाएगा आपको। पूरे थाईलैंड के अंदर कोई मैंने अभी तक कोई और डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं देखा, हर गली में हर मतलब हर एक एरिया का एक 7-Eleven है, आप इजीली कहीं भी फिर सकते हो आपको 7-Eleven मिलेगा, कुछ भी वहाँ से उठाओ खाओ पियो। शाहरुख खान का खाना तो हम खा नहीं सके, अब यही कुछ खा मतलब पी लेते हैं यहाँ से कुछ। एक और आपको मज़े का हैक बताता हूँ, अगर गर्मियों में बैंकॉक आ रहे हो बाहर सड़क पे फिरते हुए पसीने आने शुरू हो जाते हैं तो हर जगह 7-Eleven मिलेगा, इसके अंदर आके ज़रा बहाने से ना ऐसे खड़े होके ड्रिंक्स देखने लग जाना, अंदर फुल एसी चिल माहौल, तो आपका ज़रा पसीना खुश्क हो जाएगा। ये देखो रेडबुल, रेडबुल का सिरप है ये क्या है? ये रेडबुल जो है ना शुरू में हाँ। इस तरह से थी दवाई की तरह बाकी में, हाँ वो फिर इन्होंने बाद में अपनी मार्केटिंग चेंज की और इन्होंने थोड़ा सा उस क्लास को टारगेट किया जो कि आपकी ना कह लो कि वो है एथलीट क्लास है। हाँ, बाद हाँ, में शुरू में यही थी वर्कर क्लास के लिए, और इस तरह की बोतल ही होती थी रेडबुल सिरप। मैं यार आज कोई ना वो फ्लेवर वाली ट्राई करता हूँ, पहले मुझे कोक का मैंने ये वाला फ्लेवर पिया, इसका नाम है स्टार शाइन, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आज मैं ट्राई करता हूँ फेंटा, मैंने लिए ग्रेप्स फेंटा, देखते हैं ग्रेप्स फेंटा कैसी है। अगर आपने नेस्ले का रेड ग्रेप्स पिया हुआ है तो सोचो रेड ग्रेप्स के अंदर बहुत सारी गैस डाल दी है, ऐसा है। हेलो कर दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आर यू मुस्लिम?
Kankubai. The Indian movie, Bollywood. Bollywood? Kankubai, you know. Who is he? Name? Igrawa. Name? I don't remember. Shashi Kapoor. Shashi Kapoor. And this? Shahrukh Khan. Shahrukh Khan. ये हमारे हेमा मालिनी वो जो चाचा जा रहे हैं उन्होंने तीनों हम बॉयज को नाम दे दिए. मुझे क्या नाम दिया था? ऋषि कपूर. ऋषि कपूर है मैं ऋषि कपूर. शानी पता नहीं क्या क्या था. हेमा मालिनी नहीं. और ये पता नहीं राजेश खन्ना पता नहीं. और ये शाहरुख खान. अभी आए मैंगो विद स्टिकी राइस. हाय 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 हाय. ये लें जी उस्मान मुस्लिम थाई फूड पे अभी से ये चीज़ शुरू हो चुकी है. ओके दरगी. और ये थैंक यू वेरी मच फॉर मेनी पाकिस्तानी पीपल सपोर्ट अस एंड से सलाम टू एवरीवन. और अभी हम लोगों ने खाना खाया. उन्होंने मुझे बड़ी बैंकॉक के कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताया लोगों के बारे में. यहाँ पे रेस्टोरेंट्स जो है ना वो रात को 9:30-10 बजे सारे जितना भी बड़ा रेस्टोरेंट है वो बंद हो जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं उसके बाद जाके उन्होंने पीनी होती है थाई लोगों ने. ये खैर थाई मुस्लिम है. हम लोग इस टाइम जा रहे हैं थाईलैंड की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे. बैंकॉक की सबसे ऊंची नहीं थाईलैंड की सबसे ऊंची बिल्डिंग उसके ऊपर है स्काई बार प्लस स्काई वॉक. नीचे पूरा ग्लास वो जाके मैं देखता हूँ. वहाँ हम जा रहे हैं सनसेट एंजॉय करने के लिए. लेकिन मसला ये है कि टाइम हो चुका है 6:25 और उमेर सनसेट कितने बजे है? 6:40. हम पकड़ पाएंगे सनसेट? मुश्किल. तो लग ये रहा है कि हम हमेशा की तरह अपनी रीत रिवाज को कायम रखते हुए थोड़ा लेट हो रहे हैं. ये बिल्डिंग है इसके टॉप फ्लोर पे हम लोगों ने जाना है थाईलैंड की सबसे ऊंची बिल्डिंग. और इसका जो इन्होंने मतलब बनाई हुई है ये इस तरह लगता है आपको कि टूटी टूटी बिल्डिंग है बट वो उसका डिज़ाइन इस तरह से है. क्या मतलब आर्किटेक्ट ने क्या सोचा होगा इसको बनाने में और क्या मेहनत हुई होगी. पहुंच चुके हैं हम थाईलैंड की सबसे ऊंची बिल्डिंग के सामने और सनसेट जा चुका है इसलिए अब इजी होके ऊपर जाना है. ये आपको मेरे पीछे नजर आ रही है ये बनाई एक जर्मन टॉप आर्किटेक्ट ने एली शिरीन उस भाई का नाम है. और 2011 में ये शुरू हुई थी 2016 में कंप्लीट हुई. 77 फ्लोर्स हैं और पूरे बैंकॉक में आप कहीं भी फिर रहे हो ये बिल्डिंग आपको नज़र आएगी. आर्किटेक्ट डिज़ाइन इतना नेक्स्ट लेवल है मतलब मैंने इतनी बहुत यूनिक बिल्डिंग्स है दुनिया में. इसी तरह से ये भी काफ़ी यूनिक बिल्डिंग है. पूरा आपको मतलब जब आप अभी तो देख रहे हैं ना तो पूरे ग्लास विंडोज़ नज़र आ रही हैं लंबी लंबी. वो भी बड़ी रिफाइन सी ऐसे एक एक चीज़ आपको लगता है कि क्या यह डिज़ाइन हुई है. अगर आप बैंकॉक में कहीं भी फिरते हुए इसको देख रहे हो तो आपको लगेगा एक शीशे की बिल्डिंग है जो बीच में से टूटी हुई है अक्सर जगह से. दूर से एकदम लगता है कि ये डिस्ट्रॉयड है पता नहीं लेकिन फिर आप गौर करो तो देखते हैं बिल्डिंग के दरमियान में उन्होंने कोई फ्लोर आगे कोई फ्लोर पीछे. अब इसको आर्किटेक्ट की ज़ुबान में पता नहीं क्या कहते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे वाले फ्लोर्स को. 77 फ्लोर्स हैं. अब स्काई वॉक किस फ्लोर पर ये जाके देखते हैं. ये हाथी के देखना सूंडे कितनी सारी बनाई हुई इन्होंने. छत पे सारे ऐसे ब्लॉक्स बने हुए छोटे छोटे. लाइफस्टाइल ऑफ थाईलैंड. हाई स्पीड लिफ्ट. ओके ओके. इनका ना असल में बजट कम है वरना ये वो वाली बातें कर रहा है जो स्पीकर में चल रही होती हैं. लिफ्ट की गेम ही अलग है. पूरी लिफ्ट के अंदर स्क्रीन्स हैं. हाँ हाई स्पीड लिफ्ट है और कान पिट पिट करने लगे जिस तरह फ्लाइट्स में होते हैं. और फ्लोर ऐसे चेंज हो रहे हैं. हम अभी लिफ्ट शुरू हुई है और 41st फ्लोर 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
इतना तेज चेंज हो रहा है, बहुत तेज पहुंच गए तकरीबन। वो यार ये चीज ये सीन चेक कर, लेफ्ट साइड एस्केलेटर बॉयज 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 ने बोला था सनसेट लेफ्ट राइट साइड पे अगर वो है नहीं हमने ऊपर जाना है अभी यहां से ये पूरे बैंकॉक का व्यू आ रहा है बट हम ऊपर जाएंगे 77 फ्लोर्स पे कुछ शायद एक मिनट भी पूरा ना हुआ हो 300 सेकंड्स कुछ सेकंड्स में आए हैं। स्काई वॉक किस तरफ है बाजी? शू कवर यस। पहुंच चुके हैं हम 77 फ्लोर पे और जो इस तरफ से व्यू है दिखाता हूँ आपको। पहले मैं थोड़ा लाइट ले रहा था सनसेट को कि अच्छा मिस हो भी गया तो खैर है, आखिरी चार फ्लोर पैदल चढ़ के आए इसलिए सांस चढ़ा हुआ है। बट अभी ये जो व्यू है ये देख के मुझे लग रहा है कि हमने मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट कोई सनसेट मिस कर दिया है। बट कोई नहीं, आगे आइलैंड्स पे और सनसेट मिलेंगे। ओए होए होए नेक्स्ट लेवल यार। ओके यू डोंट वांट टू गो राइट? सो ये बेसिकली है स्काई बार, ये सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे अपनी दारू शारू का इंतज़ाम करके और इधर से स्काई बार के इस तरफ पूरे बैंकॉक का व्यू है यहाँ से, पूरे बैंकॉक का। और बैंकॉक के इस व्यू के इस तरफ ये है स्काई वॉक। स्काई वॉक ये पूरा ग्लास लगा हुआ है यहाँ से लेके एंड तक और इसके नीचे वो देखो वो लोग लेट रहे हैं तस्वीरें मनवा रहे हैं और यहाँ से नीचे सारा नजर आता है। ओए होए होए वो मेरे कदम ऑटोमेटिकली रुक रहे हैं। ओए होए 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 भाई यकीन करो उधर मतलब कैमरा लेके जाना अलाउ नहीं है, आप अपना फ़ोन या कैमरा उसके ऊपर चलते हुए यूज़ नहीं कर सकते। तो हसन मेरी वीडियो बना रहा था, पता नहीं आपको कुछ समझ आई है कि नहीं आई। 77th फ्लोर से आपके नीचे कुछ भी नहीं है ग्लास के अलावा, मतलब पहले तो मैंने सोच सोच के पाँव रखे कि पता नहीं ये शीशा एकदम पड़क हो और उसके बाद कोई पता नहीं कि क्या हुआ, लेकिन बट उसके ऊपर से व्यू इतना अनरियल है कि वो मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मतलब असल नीचे बिल्डिंग्स हैं क्या है वो। एक दफ़ा तो अखीर हो जाती है फिर बंदा ज़रा दो तीन मिनट उस पर वॉक करता है तो रिलैक्स होता है। और ख़वातीन हज़रात हसन को सिर्फ हाइट देख के गेड़ू चढ़ गए हसन कहता मैं उधर जाऊँगा तो ढो पाऊँगा डर गए डर गए। ओ मजा करी डर गए। बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है, मतलब क्या इतना मतलब मुझे तो बहुत अलग एक फील ही अलग आ रही है कि सब कुछ ही नीचे इस टाइम। हाँ असल में लाइट्स इतनी ज़्यादा है ना, पूरा शहर आपको नज़र आ रहा है, मॉल्स नज़र आ रहे हैं, बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं सारी और ऊपर इस टाइम ना बादल भी हैं। हाँ, तो एक प्लस पॉइंट ऐड हुआ हुआ इस टाइम, बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। वो लैंडस्केप हमारा इस तरह हुआ हुआ है कि जिस तरह पीछे बादल एकदम से बीच में स्ट्रेट एक लाइन नज़र आती है शहर की, जो आउटलाइन ये जो आपको नज़र आ रही है और फिर उसके नीचे शहर शुरू होता है। अनबियानेबल सा एक मोमेंट है ये। लो जी भाई ने अभी अभी हम लोग सुकून से बैठे ये इंजॉय सारा कर रहे थे व्यू, उसने आके अभी भी कहा प्लीज़ प्लीज़ आई हैव टू क्लोज स्टॉर्म इज कमिंग। वहाँ से सामने से तूफान आ रहा है और आता हुआ वो ऐसे नज़र आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक अलग मंजर है बिल्कुल। वो मतलब जिस तरह वो घूमता हुआ अक्सर आपने वीडियोज़ में देखे ना आ रहा होता है, अभी दूर है काफ़ी लेकिन इसको हमारे तक पहुँचते हुए टाइम नहीं लगना। ये यहाँ से ये चीज़ जो उठती हुई आपको नज़र आ रही है ये सारा तूफान है जो अभी इस तरफ को आ रहा है शहर की तरफ, अभी ये दूर वाली साइड पे है। चलो चलो अरसलान टाइम क्या हुआ है? टाइम 8:30 हो गए। यस वी हैव द एप्लीकेशन। ओके चेक एट ऑर्डर हम एंड सेव यू एंड सेव एट ऑर्डर केयर। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू सो मच। मेरे कान पटिक पटिक करने लगे हैं, जाते हुए मैंने आपको बताया था कि 350 आई थिंक माइल्स पर आर नहीं, अभी आ रहा था 480 माइल्स पर मिनट की स्पीड से लिफ्ट नीचे आती है। 480 माइल्स पर मिनट, मतलब हम कुछ सेकंड में 77 फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। क्रेजी है लेकिन पता कुछ भी नहीं लगता, बस कान बंद हो जाते हैं बिल्कुल। किधर रखना है इसको? इधर रखते हैं जिस टाइम भेजने लगते तो सामान जाएंगे
खाना खाएंगे फिर बाद में हम स्काई वॉक करेंगे और फिर एंड पे भूखे मर जाएंगे, फिर हमने मॉल से शॉपिंग करनी है टैक्सी वाला कैंसिल करेगा टैक्सी वाले ने तो जो बहुत खपाया है। अच्छा जी, मैंने मंगवाई है काफी सारी चीजें। ओए होए 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 होए, ये है आई थिंक लैम शवारमा सेट, जनाबे आली करेक वाली सॉसेज, और जनाबे आली करेक वाली उमेर मवाली। ये है चिकन शवारमा सेट, और ये है पूरा एक तरफ इसमें लैम है और एक तरफ चिकन है। अब बेसिकली सीन ये हुआ कि जब हम स्काई वॉक से निकले, हमारा प्लान था आज शॉपिंग मॉल जाने का, आइकॉन सियाम मॉल सबसे बड़ा यहाँ पे। स्काई बार से हम फारिग हुए 9 बजे, 10 बजे मॉल बंद हो जाता है तो हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते थे। फिर उसके बाद हमने सोचा अब क्या करें क्या करें, खैर सोचा यार वापस चलते हैं। हलाल फूड वो मैंने मंगवा लिया, इसमें ये लेबनीज खाना सारा, रैप शैप लैम चिकन ये वो, अब ये फोड़ेंगे बैठ के। ओके जी, खवातीन हज़रात इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। बैंकॉक लास्ट डे यहाँ पे ख़त्म होता है। सुबह हमारी कितने बजे फ्लाइट है? यहाँ का एक्सेंट अडॉप्ट कर रहे हैं। इससे आगे थाईलैंड सीरीज में आपको फूड शायद ना नजर आए, शायद बहुत कम नजर आए, क्योंकि आगे हम आइलैंड्स पे जा रहे हैं। अगले हमारे 6-7 दिन आइलैंड्स पे होंगे, डिफरेंट थाईलैंड के आइलैंड्स, और सुबह यहाँ से हम लोग निकलेंगे। आज शायद हम रात ना सोएं, क्योंकि क्या 12 बजे हमें 12:15 हुए हैं रात के, और सुबह 7:30 बजे फ्लाइट है, जिसका मतलब है कि यहाँ से हम 5:30 निकलेंगे, एयरपोर्ट पहुँचेंगे। अगली वीडियो में आपको सारा नजर आएगा। खैर वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट भाई को याद रखें, इंस्टाग्राम फॉलो मस्त। अल्लाह हाफिज़। इधर वालों के एक्शन में बता, सुबह हमको सुबह जा रहे हैं जा रहे हैं। तू बता तू बता, मुझे तो सोच लगी सोच सोच एंड लगी से हर चीज एंड से लंबे करता हूँ। ओ बता, आज तो बताएगा तो जान छूटेगी, वीडियो तो भी खत्म होगी। सोच सोच की हंसी, सोच सोच की हंसी जा रहे हैं, बोल दी बोल ही नहीं जा रहा। असल में मैं हर बार बात ऐसे नहीं मजाक उड़ाते।